आप में से काफी सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको मिलिट्री या पैरामिलिट्री में क्या डिफरेंस होता है ये नहीं पता होगा। इनफैक्ट काफी लोगों को तो ये गलत फहमी है कि मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री एक ही है, बस बोलने का डिफरेंस है। एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए कि इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स क्या है और किस तरह से काम करती है। पैरामिलिट्री फोर्स एंड मिलिट्री फोर्स में क्या डिफरेंस है, तो इन सभी को हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी को भी मिलिट्री या पैरामिलिट्री में क्या डिफरेंस होता है ये बता सकोगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी भी कंट्री के लिए उसकी एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी काफी इम्पोर्टेंट है। हमारी कंट्री में एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट से डील करने के लिए मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्स बनाई गई है। हम इंडियन सिक्योरिटी फोर्स को चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंडियन आर्म फोर्सेस, जिसे हम मिलिट्री या डिफेंस फोर्स कहते हैं। सेकंड है CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। थर्ड है पैरामिलिट्री फोर्स एंड फाइनली फोर्थ है इंडियन एंड स्टेट पुलिस फोर्स। आज हम फर्स्ट थ्री कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री या डिफेंस फोर्स की। इंडियन मिलिट्री फोर्स को एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट से डील करने के लिए बनाया गया है। वॉर टाइम में इंडियन डिफेंस फोर्स ही एक्टिवली वॉर में पार्टिसिपेट करती है। इंडियन आर्म फोर्सेज में तीन मेन सर्विसेज इंक्लूडेड हैं, दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। अभी के लिए आप यहाँ पर कोस्ट गार्ड को भी कंसीडर कर सकते हो, पर इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब बारी है CAPF की यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की। CAPF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में सर्व करती है। वैसे तो CAPF का काम इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, पर जरूरत पड़ने पर ये आर्मी के साथ वॉर टाइम में काम कर सकती हैं। CAPF में CRPF, BSF, ITBP, SSB एंड CISF शामिल है। CRPF का काम है इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज करना और साथ ही इन्हें एंटी नक्सल ऑपरेशंस में शामिल किया जाता है। BSF का मेन रोल है इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की पीस टाइम में सुरक्षा करना। वहीं SSB यानी सशस्त्र सीमा बल इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर पे मौजूद रहती है। ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इंडो चाइना बॉर्डर की सुरक्षा करती है। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, बिल्डिंग्स एंड PSU की रक्षा करना। अब बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्स की। पैरामिलिट्री फोर्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पैरामिलिट्री फोर्स वो है जिसमें मिलिट्री ऑफिसर्स उस फोर्स को मैनेज करते हों, पर वो फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हो। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग असम राइफल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, NSG, राष्ट्रीय राइफल्स एंड SFF भी शामिल हैं। मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड को इंडियन आर्म फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्स दोनों ही कैटेगरी में रखा है, पर इंडियन कोस्ट गार्ड किसका पार्ट है, इंडियन आर्म फोर्सेस का या इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स का? इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर एस्पिरेंट्स के बीच में काफी डाउट है, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो गई हो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो को मैं समराइज कर देता हूँ। मिलिट्री फोर्सेस को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लीड एंड मैनेज किया जाता है। वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस में डिफेंस ऑफिसर्स हेड होते हैं, पर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको मिलिट्री, पैरामिलिट्री एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में क्या डिफरेंस है ये पता चल गया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।